तो अभी कुछ दिनों पहले मैं एक SMP में सेलेक्ट हो गया था, जिसका नाम था डीकोडिंग SMP, जिसमें मैंने एप्लीकेशन भी बनाई थी। और मैंने इस SMP का डेडलीस्ट प्लेयर बनना था, जो कि बहुत हार्ड था, क्योंकि इस SMP में बहुत प्रो प्रो प्लेयर थे, जैसे कि नॉट फ्रेंड प्लेयर्स और भी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर। तो इस SMP में कॉन्करर करना थोड़ा सा तो हार्ड था, पर मेरे लिए नहीं। और मैं SMP के पहले डे पे ही सबसे डेडलीस्ट प्लेयर बन जाता हूँ इस SMP का। और यहाँ पे मेरे पीछे एक बंदा पड़ा हुआ होता है, और इसने मुझे एक दफ़ा मार चुका था ये बंदा मुझे, और मैं इससे भाग रहा था, पर ये मेरे पीछे ही नहीं छोड़ रहा था, ये मुझे स्पॉन किल कर रहा था, तो मैं भाग रहा था। और यहाँ पे मैं कैसे कैसे उससे बच जाता हूँ। और यहाँ पे आप सोच रहे होगे सामने वाला कौन है और ये मुझे इतना सामान क्यों दे रहा है। तो ये मेरा टीममेट था एजेम्स, जिसने मुझे सारा सामान दिया था, स्टफ दिया था, खाना दिया था, और अब से ये मेरा टीममेट था। नेट थोड़ा बहुत चल रहा है। ऐसा करो ना, अभी आपके पास 10 है ना, एक और मुझे दे दो, फिर 99 हो जाएंगे, क्या कहते हो? अभी चलो ना, मारते हैं उनको। मैं काम में मर जाऊंगा ना, क्योंकि फिर बराबर आते होंगे तो फिर मार सकते हैं। ओके चलो, अब बराबर। और यहाँ पे ये मुझे एक और हार्ट दे देता है, और आप हमारे पास बराबर हो जाते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं ऐसे समय का डेली प्ले कैसे बनता हूँ। तो जो जेम्स था वो मुझे अपने सारे हार्ट विड्रा करके दे देता है, और उसने मुझे कहा था कि तुमने मेरा रिवेंज नॉट फ्रेंड प्लेस से लेना है। तो मैंने कहा ठीक है, तुम मेरी टीम बनो, मैं तुम्हारे रिवेंज ले लूँगा। और वो 1 हार्ट पर लॉग आउट कर देता है, और उसकी क्लिप वो मेरे पास नहीं है जब वो मुझे हार्ट देता है, तो इग्नोर करना भाई उसे। तो अगर नॉट फ्रेंड प्लेस, तू अगर ये वीडियो देख रहा है तो तू आगे से बच के रहना, क्योंकि अब मैं अपने टीममेट का बदला तुझसे लूँगा।